फैमिली कैसे हो आप लोग, मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये बताओ सबसे पहले। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी जो फैट लॉस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई होगी चीजें करना, क्योंकि डाइट करना मुश्किल है, आप घर में बंद है एंड पूरे दिन आप घर में रहते हैं तो एक्टिविटी लेवल जीरो हो गया है। जो हम पहले स्कूल चल के जाना, कॉलेज जाना, ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ना, बहुत सारी एक्टिविटी करना, उससे हमारा बॉडी मेंटेन रहता था, हम काफी कैलोरीज बर्न करते थे पूरे दिन में। अभी वो बिल्कुल जीरो हो गया है, हम सुबह बेड पे पड़े रहते हैं, मूवीज देखते हैं, तो इसके कारण जो हमारी एक्टिविटी लेवल कम हो गई है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस टाइम पे फैट गेन कर लें, तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम उन लोगों की हेल्प करेंगे जो एक बेसिक डाइट बना के, बेसिक डाइट प्लान, फुल डे ऑफ ईटिंग जो आपको लोगों को हेल्प कर सके। नॉन वेज नहीं यूज किया है मैंने, पूरी वेजिटेरियन डाइट है, क्योंकि इस टाइम 90-95% लोग नॉन वेज नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, मैं खुद भी नॉन वेज नहीं कंज्यूम कर रहा हूं। तो होप करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इंस्टाग्राम पे थोड़ा प्यार करिए, इंस्टाग्राम पे थोड़ा सपोर्ट करिएगा, singa_10, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा मेरे अकाउंट का। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जरूर आप सपोर्ट करिएगा। सबसे पहले जो हम दिन की शुरुआत करेंगे वो आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे पाचन शक्ति, डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है लोगों का। तो इसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे अपने घर की हल्दी और नींबू। हल्दी के आयुर्वेदा में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और साइंटिफिकली अगर मैं बताऊं कि हल्दी मैं सुबह हर रोज क्यों यूज करता हूं, आपके गॉल ब्लैडर को ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिल्ड करने का मौका मिलता है इससे। तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाता है, पूरे दिन के लिए रेडी हो जाता है। तो एक चुटकी में हल्दी यूज कर रहा हूँ, एक पिंच थोड़ा सा हल्दी यूज किया है और थोड़ी आधी एक नींबू यूज की है। सिंपल आपने 1-2 ग्लास सुबह पानी पीना है, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को पूरे दिन के लिए तैयार कर देगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी सुबह की ब्रेकफास्ट करने। भाइयों जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा वो फाइबर रिच होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है पूरे दिन में। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ओट्स, हेल्दी कार्ब का सोर्स है, और ओट्स को आप सिंपल पानी में 3-4 मिनट गर्म करके कुक कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी रेडी होने वाला ब्रेकफास्ट है और बहुत हेल्दी होता है। इसके साथ मैं चाहूंगा आप आधा चम्मच देसी घी का यूज करें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि घी फैट लॉस में नहीं यूज करना चाहिए, घी खाने से हम मोटे हो जाते हैं। दोस्तों हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी है, आपको फैट लॉस कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो, कोई भी चीज आप करते हो आपकी बॉडी को हेल्दी फैट्स चाहिए, और घी में बहुत ज्यादा हेल्दी फैट्स, बहुत अच्छे फैट्स होते हैं। इसके साथ साथ घी आपके इम्यूनिटी और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोग दूध और दही का सेवन नहीं कर पाते क्योंकि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो घी का सेवन वो कर सकते हैं क्योंकि घी में लैक्टोज नहीं होता। इसके साथ हम थोड़े फ्रूट का लेंगे, मिक्स फ्रूट सैलेड आप बना सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स आपके यहाँ मिलते हैं उनको यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनार, थोड़े अंगूर, थोड़े संतरे यूज किए हैं, ये सारे बहुत ही ज्यादा विटामिन्स में रिच होते हैं, एंड यही इसीलिए मैं सुबह सुबह फ्रूट का एक सैलेड लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि अक्सर हमें वो विटामिन्स, अक्सर हमें वो मिनरल्स नहीं मिल पाते हमारी डाइट से, इसीलिए हमें बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। इसीलिए आप डाइट में हमेशा फ्रूट्स रखें सुबह सुबह। तो ये हमारा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ जब भी आपको बीच में भूख लगे तो आप पानी पी सकते हैं या थोड़े फ्रूट्स खा सकते हैं जो लो कैलोरीज फ्रूट्स हैं। अब हम चलेंगे अब लंच की तरफ। दोस्तों जो हमारा सेकेंड मील है, बहुत ही सिंपल मील रखी है मैंने, जो हर बंदा हर किसी के घर में आराम से बन सकता है। तो सबसे सिंपल है, आपने चावल यूज करने हैं, व्हाइट राइस में यहाँ यूज कर रहा हूँ। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में ज्यादा फर्क नहीं होता, न्यूट्रिशन का बहुत कम अंतर होता है, इसके लिए आप व्हाइट राइस इजीली यूज कर सकते हैं। एक कप मैं बोलूंगा आपको यूज करने, जो लोग बहुत ज्यादा मेजर करके खाते हैं 150 ग्राम के अराउंड आप चावल ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यूज करने वाला हूँ सबसे बड़ा हथियार फैट लॉस में, हरी सब्जियां। हरी सब्जियां आप कैलकुलेट कर लें, इतनी कम कैलोरीज होती हैं उनमें। कोई भी आप हरी सब्जी का न्यूट्रिशन देख लें, बहुत ज्यादा कम कैलोरीज होती हैं, बहुत लो कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा खा सकते हैं और आपको फैट गेन नहीं होने का चांस रहेगा, क्योंकि फैट लॉस के टाइम आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना है। इसके लिए ये सबसे बड़ा हथियार है आपके पास कि आप कितनी भी हरी सब्जी खा के अपना पेट भर सकते हैं और आप ज्यादा कैलोरीज भी अंदर नहीं लेंगे। इसके साथ प्रोटीन सोर्स थोड़ा होना जरूरी है, इसके लिए मैं राजमा दाल का यूज कर रहा हूँ। राजमा दाल बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियन सोर्सेज में, एंड इसके साथ 100 ग्राम दही मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि फिर से 100 ग्राम दही आपके डाइजेशन को, आपके इम्यूनिटी को, आपके स्किन को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो ये रहेगा हमारे एक बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही सस्ता, बहुत ही इजी बनने वाला सेकंड मील लंच। अब हम स्नैक्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा वर्कआउट भी लगाएंगे।
भाइयों हम सबको पता है कि हमारा कोई भी गोल हो, बॉडी बिल्डिंग, कोई भी मसल गेन, फैट लॉस, कोई भी हमारा गोल हो, हमारा जो डाइजेशन है वो टॉप नॉच का होना चाहिए। डाइजेशन का महत्व तो बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी में। तो इसके लिए जो अभी मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं, अपने खाने पीने में चेंजेस किए हैं, बहुत ज्यादा वो चेंजेस मेरे लिए काम कर रहे हैं। अभी जो इंडियन फूड है, बेसिक इंडियन फूड, उनको यूज करना मैंने शुरू किया है। अभी जो मैं आपको स्नैक्स का ऑप्शन बताने वाला हूं, जो मैं होम वर्कआउट करने से पहले यूज करता हूं, अभी जिम सारे बंद है तो मैं होम वर्कआउट्स कर रहा हूं, थोड़े पुशअप्स, थोड़े बर्पीज, ऐसे एक्सरसाइजेस कर रहा हूं। तो अभी जो आप यूज करने मैं बता रहा हूं, जस्ट वर्कआउट करने से आधे घंटे 40 मिनट पहले थोड़े आप चने भिंगा के रख लीजिए रात को, और सुबह उनको कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैं शाम को कंज्यूम कर रहा हूं, आप रात को भिंगा लीजिए और शाम को वर्कआउट से पहले कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ थोड़ी मूंग और उसके साथ हल्का गुड़, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ट्रस्ट मी गाइज, आप एक बार अपने डाइजेशन को थोड़ा आराम दीजिए। वो नॉन वेज, वो चिकन, वो हम सबको जरूरी है बॉडी बिल्डिंग में, बट इस टाइम मैं बोलूंगा थोड़ा उस चीज को आराम दे के आप इन चीजों पे फोकस करिए। आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा फील होगा, आपका गट हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डाउन हो जाते हैं। सो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और मैं गुड़ बोलूंगा किसी भी दिन चीनी से ज्यादा अच्छा है। तो गुड़ को यूज करना शुरू करिए, चीनी को थोड़ा कम करके गुड़ ज्यादा प्रमोट करूंगा मैं, क्योंकि उसका डाइजेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद मैं थोड़े होम वर्कआउट करता हूँ, आधा घंटा 40 मिनट। आप थोड़े पुशअप्स लगा सकते हैं, बर्पीज लगा सकते हैं, थोड़े हाई नीज, थोड़े हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब हम करेंगे डिनर। भाइयों जो आज का हमारा डिनर है वो बहुत ही सिंपल रखा है मैंने। सिंपल, जो आपके घर में 2 से 3 चपाती बनती है उनको ले लीजिए। आप फिर से यहाँ पे दाल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरीज बहुत कम होती है दाल में, उतनी कैलोरीज नहीं होती है। हम आधा कप दाल पीते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ हरी सब्जियां जितनी चाहें आप उतनी यूज करें, मैंने हर बार बोला है आप हरी सब्जियां यूज कर सकते हैं जितना खाना चाहें। एंड उसके साथ में प्रोटीन चाहिए आपको बॉडी को, प्रोटीन सोर्स के लिए अभी आपने वर्कआउट किया है शाम को, तो थोड़ा प्रोटीन चाहिए आपको। सप्लीमेंट नहीं मैं बोलूंगा, अगर आप सप्लीमेंट यूज करते हैं तो कर सकते हैं जरूर, लेकिन मैं प्रोटीन के लिए मैं पनीर को प्रमोट करूंगा वेजिटेरियन में, या फिर सोयाबीन को। सोयाबीन एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। सोयाबीन मैं इसलिए प्रमोट ज्यादा करूंगा क्योंकि एक सस्ता है। अगर आप देखेंगे तो 50 ग्राम सोयाबीन करीब करीब 20 रुपए में आपको मिल जाता है, और उसमें करीब करीब 25 ग्राम प्रोटीन होता है। 50-60 ग्राम सोयाबीन खाने से आपको कोई दिक्कत नहीं होती। सारे स्टडीज मैं लिंक कर दूंगा सोयाबीन के ऊपर कि एस्ट्रोजन लेवल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सोयाबीन कंज्यूम करने से। होपफुली आप इस वीडियो से कुछ सीख के जाएंगे। और सीधा मैं इसके बाद रात को सोने से पहले आधा ग्लास दूध कंज्यूम करता हूँ, करीब करीब 150 से 200 ml दूध कंज्यूम करता हूँ, थोड़ी हल्दी डाल के। हल्दी मैं फिर से इसीलिए यूज करूंगा रात को, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जिनको जॉइंट पेन होती है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, वो भी हल्दी दूध कंज्यूम करते हैं। तो आपका जो बॉडी का पेन है, एंटी इन्फ्लेमेशन का इसमें बहुत ज्यादा गुण होता है, तो हल्दी दूध कंज्यूम कर सकते हैं। हल्की हल्दी डालिए, ज्यादा नहीं। होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा कुछ सिखा के जाएगी, इंडियन फूड को कैसे यूज करना है, वेजिटेरियन डाइट कैसे बनानी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, फॉर ऑल द लव। आप इतना शेयर करते हैं कंटेंट हमारा, आप इतना प्यार करते हैं। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। मेहनत करते रहिए, कीप सपोर्टिंग। इंस्टाग्राम पे आइए जरूर, singa_10 है मेरा अकाउंट, आपको लिंक्स नीचे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल।